नमस्कार दोस्तों, एक बात का अफसोस हम लोग को अब तक है, आखिरकार छोटे से लेकर छोटे देश आज डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर है और सब कुछ बनाता है, गोले बारूद से लेके फाइटर प्लेन मिसाइल सब कुछ बना के पूरी दुनिया में बेचता है। आखिर हमारे अंदर कमी क्या रह गई जो हम अब तक ना तो फाइटर प्लेन बना पाते हैं और ना ही पूरी दुनिया में बेच पाते, केवल हम लोग खरीदते हैं, क्या कारण है? जहाँ तक कि फ्रांस हमसे बहुत छोटा है, खासतौर पर क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या भी कम है, लेकिन फ्रांस फिर भी हमसे बहुत आगे है। इतना ही नहीं, चाइना हमसे आगे है, चाइना भी फाइटर प्लेन बनाता है। इतना ही नहीं, रूस बनाता है, तुर्की बनाता है। आखिरकार हम लोग क्यों नहीं बना पाए, क्या कारण है? दोस्तों, चाइना और भारत का सफर एक ही साथ चला था 1949 के बाद, लेकिन चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया, भारत ऐसा पीछे क्यों रहा? तो बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे कुछ कुछ सरकारी कंपनियाँ भी दोस्तों अपना खराब काम करता है, कह सकते हैं कि उनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही खत्म है, इसीलिए हम लोग आज पिछड़े हुए हैं। आप देख लीजिए अभी हाल दोस्तों, HAL आप जानते हैं ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, हाल का ये जो रवैया है ना, पूरी दुनिया आज हंसता है, बोलता है कि ये HAL क्या, क्यों आया है भाई, क्यों आया है? दोस्तों, ये HAL कंपनी आज का नहीं है, बहुत पुरानी है, कह सकते हैं कि 70 से 80 साल पुरानी है। भारत का दोस्तों बहुत ही पुरानी डिफेंस सेक्टर का कंपनी है, लेकिन क्या किया है, कुछ नहीं किया है, केवल डिले किया है। कोई भी काम देता है तो वो डिले करता है, यानी कि सरकार का उसमें से विश्वास से उठ गया है, सरकार को उम्मीद नहीं कि ये काम करके भी दे सकता है, वो भी टाइम पे दे सकता है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि वर्तमान में HAL कंपनी ही तेजस बनाया है, तेजस का जो विमान है वो HAL बनाया है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उनका हर प्रोजेक्ट लेट होता है, डिले होता है, इतना होता है ना कि ऑफर हो जाता है दोस्तों, एक काम को दोस्तों वो 10 बार करता है, यानी कि आराम आराम से करता है, जो काम होना होता है 1 महीना में उसे करता है 4 साल में। दोस्तों, HAL का ये रिकॉर्ड रहा, उसे जो भी काम दिया गया है ना वो केवल टाइम पे तो आज तक कभी किया नहीं है, रिकॉर्ड रहा है, टाइम पे कभी नहीं किया है, लेकिन कई बार डेट दिया है, कई बार टाइम डिले किया है, तब जाके कोई सामान बनाता है, कोई हथियार बनाता है, और इसलिए भारत सरकार उससे कई सालों से नाराज है, और खासतौर पे भारत के तमाम रक्षा मंत्री HAL से बहुत ज़्यादा नाराज है। और दोस्तों, यही कारण है कि 10 साल बाद खासतौर पर तेजस के लिए HAL से डीलिंग हुआ है दोस्तों, एग्रीमेंट हुआ है 10 साल बाद। कह सकते हैं कि ये चर्चा 2010 से ही चला था कि तेजस को खरीदा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उस पर समझौता हो ही नहीं पाया, ना कोई एग्रीमेंट हो पाया। जो भी सरकार आया है सब HAL के इस रवैया से परेशान था, HAL ने सबके नाक में दम कर रखा था। इतना ही नहीं, तमाम रक्षा मंत्री सोच रहा था कि इसे पैसा दे देंगे तो क्या होगा, अभी देंगे तो 20 साल बाद मिलेगा या 25 साल बाद मिलेगा या फिर 40 साल बाद मिलेगा, कोई पता ही नहीं है, इतना बड़ा टेंडर दे देंगे, लेकिन HAL क्या करेगा, टाइम पर तो देगा नहीं, तब तक तो उस समय सिक्स जनरेशन आ जाएगा, HAL क्या करेगा कुछ पता नहीं। दोस्तों, इतना डर सबके मन में बैठा हुआ था, और इसी कारण से 10 साल से तेजस का कोई एग्रीमेंट HAL से हो ही नहीं पाया, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मोदी जी शासनकाल यानी कि 2021 में अब HAL को 83 लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर दिया है, 83 लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर देके पूरे दुनिया को मोदी जी ने चौंका दिया है, बता दिया है कि HAL को हम सुधारेंगे, HAL को हम सही रास्ता लाएंगे, समय पड़ेगा तो HAL को हम सबक भी सिखाएंगे। दोस्तों, मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारतीय वायुसेना को अभी भी उम्मीद नहीं है कि HAL टाइम पे ये तमाम 83 फाइटर प्लेन यानी कि तेजस फाइटर प्लेन दे सके। दोस्तों, भारत के दुर्भाग्य कह सकते हैं ना, भारत के हथियार का डिमांड पूरी दुनिया में है, भारतीय हथियार दोस्तों सबसे सस्ता होता है और सबसे बढ़िया होता है, पूरे दुनिया में डिमांड है, लेकिन हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते, कह सकते हैं कि हम लोग को खुद टाइम पर नहीं मिलता है, दूसरों को क्या बेचेंगे, हम लोग को खुद ही टाइम पर नहीं मिल पाता है, दूसरों को हम क्या बेचेंगे। दोस्तों, ये हम लोग का दुर्भाग्य रहा है, और जबकि बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान में नौजवानों की कमी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है केवल मैनेजमेंट का, HAL का मैनेजमेंट कभी भी सही नहीं रहा है। जब भी HAL में खासतौर पे स्ट्राइक हुआ है, जब भी वहाँ पे आंदोलन हुआ है, तो सही कारण हुआ है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कभी भी सही नहीं होता है, ना तो गरीबों का बात सुना जाता है, ना ही वर्करों का बात सुना जाता है, ना ही किसी का बात सुना जाता है, और मनमानी तरीके से HAL काम करता है, और यही कारण है कि जिस काम को करना पड़ता है 1 साल में उसे करता है वो 7 साल में, यानी कि अपने मन से काम करता है, बिंदास रहता है, कोई टेंशन है नहीं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार ने साफ चेतावनी दे दिया है, HAL को बता दिया है कि अब जो हो गया हो गया, अब हद में रहो। दोस्तों, मोदी जी ने साफ तौर पे HAL के जो भी खासतौर पे वहाँ पे चीफ है सबको बुला के समझाया और बताया कि देखो भाई, पहले का रवैया छोड़ो, पहले जो होता था छोड़ दो, अब नया भारत है, आज का भारत में तुम्हें कुछ करना चाहिए, अभी अगर टाइम पे आप HAL का जो भी हम आपको टेंडर दिया है ना 83 लड़ाकू विमान का, अगर आप टाइम पे नहीं दे पाए तो आपको
करी भुगतना होगा, आप पे जुर्माना लगेगा, आपको हम नहीं बचा पाएंगे, आपको हम कहीं के नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आपको हम पहले समझा दिए, अभी आप टेंडर तो ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइम पे ही ये लड़ाकू विमान देना होगा, थोड़ा भी लेट नहीं होगा। अगर लेट होगा तो आप समझेंगे। इतना ही नहीं, साफ कह दिया है कि आपको कम से कम 10% का पेनल्टी लगेगा, यानी कि जितना का प्रोजेक्ट है ना उस पर 10% का जुर्माना लगेगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री प्लान 500 करोड़ का है तो आपको कम से कम 10% उस पर कम से कम जुर्माना लगेगा, यानी कि टाइम से अधिक होगा तो। और समझिए 83 है तो कितना हो गया, कम से कम 3 से 4 करोड़ आपको केवल जुर्माना ही भरना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग टाइम पे काम कीजिए, और कोई भी दिक्कत है हमसे बोलिए ना, हम आपको सब सहायता देंगे, लेकिन आप लोग टाइम पे काम कीजिए। ये नहीं कि आराम से कर रहे हैं, जो काम 2 साल का उसे 10 साल में करेगा वो बिल्कुल अब नहीं होगा। भारत सरकार ने यहाँ पे साफ बता दिया कि ये तो एक गलती हुआ ना, अगर आप दोबारा डिले करते, यानी कि एक ही डिले के बाद दोबारा डिले कर दिए, यानी कि दोबारा लेट कर दिए, तो आपको दोबारा पेनल्टी लगेगा, यानी कि आपको दोगुना पैसा लगेगा, जुर्माना लगेगा। आपको हम छोड़ने वाला है नहीं, हिंदुस्तान का आप नाम मत खराब कीजिए। हिंदुस्तान में कमी क्या चीज़ का है, हमारा सब सेक्टर बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए आप, चाहे इसरो हो, DRDO हो, ICMR हो, जितना भी सेक्टर है सब दिन रात चुगुनी करके मेहनत कर रहा है, सब दुनिया में तहलका मचा रहा है। और आखिरकार आपको क्या हो गया है, आप सुस्त क्यों हैं, आराम से काम करते हैं? आपको देश के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, देश के लिए सोचिए। अगर हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा तो चीन क्या करेगा? चीन तो वैसे भी मौका का तलाश कर रहा है, इसीलिए आपको समय पर काम करना ही होगा। दोस्तों, भारत सरकार ने पहले कह दिया है कि आपको यह पहला टेंडर दिए हैं, अगर आप सही तरीका से काम करते हैं, समय से पहले आप खासतौर पर 83 लाख विमान हमें देते हैं, तेजस देते हैं, तो आने वाले समय में दुनिया के कई सारे देश नंबर में लगा हुआ है, सबको हम लोग बेचेंगे, खूब कमाएंगे, आपका कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगा, कह सकते हैं कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा कंपनी बन जाएगा, खासतौर पर चाइना को भी पछाड़ देगा, और आने वाले समय में अमेरिका और ब्रिटेन जैसा बन जाएगा। इसीलिए आप क्या करते हैं, अभी से मौका का फायदा उठाइए, मौका मिला है तो कुछ न कुछ कीजिए। आप दोस्तों बोलेंगे आखिरकार मोदी जी ने इस तरह का चेतावनी अचल को क्यों दिया, क्या कारण है? सिंपल सी बात दोस्तों, मोदी जी अपना रिस्क पे, भारत सरकार अपने रिस्क पे खासतौर पे ये टेंडर अचल को दिया है। अब जानते हैं भारत सरकार चाहता है कि मेक इन इंडिया आगे बढ़े और भारत में डिफेंस सेक्टर खासतौर मजबूत हो, अपने दम पे सब काम करे। लेकिन बड़ी बात तो यह कि हमारे पास एचएल के पास तेजस था, लेकिन सब सोचता था लेकिन ले कि मोदी जी ने साफ बोला है कि आप लीजिए, बाकी काम हम संभालेंगे। और दोस्तों, रक्षा मंत्री ने इसीलिए समझौता किया और मोदी जी ने साफ तौर पर एचएल को समझाया। कह सकते हैं कि आने वाले समय को देखते हुए मोदी जी अभी से रास्ता बना रहा है, तैयार कर रहा है। मोदी जी जानता है कि हम कब तक हथियार खरीदेंगे, हमारा पड़ोसी चाइना दिन रात मिसाइल बना रहा है, हथियार बना रहा है, और हम कब तक खरीदेंगे और कितना खरीदेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग स्वदेशी ही बनाएंगे। और दोस्तों, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। तो आप पूछेंगे आने वाले समय में एचएल क्या करेगा, क्या सही तरीके से काम कर पाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेगा। पहले आप देखिए, पहले DRDO का रवैया भी वैसे ही था दोस्तों, DRDO भी ऐसे ही था, आराम से काम करता था, सोता फिरता काम करता था, जब मन हुआ तब कभी कोई मिसाइल मारता था, कह सकते हैं कि बहुत लेट काम करता था दोस्तों। DRDO का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, आज से 5 साल पहले देखेंगे तो आराम आराम से काम करने वाला था, लेकिन जब से मोदी जी ने सबको समझाया है, आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन चलाना शुरू किया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, मोदी जी पिछले 5-7 साल से अपने वैज्ञानिक को खूब तारीफ कर रहा है, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर बता रहा है। और बड़ी बात तो यह कि वैज्ञानिकों के अंदर आज नया जोश देखने को मिल रहा है, सब दोस्तों एक से बढ़कर एक कीर्तिमान नजर आ। कह सकते हैं कि 2014 के बाद दोस्तों अब देखेंगे तो कई तरह का खतरनाक मिसाइल परीक्षण हुआ है। इतना ही नहीं, इसरो ने कई बार धमाल किया, कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों को हौसला मिला है,